यहां कुछ ही दिन पहले शिवाजी महाराज की मूर्ति बनाई गई। शायद सबसे बड़े महापुरुष शिवाजी महाराज जी की मूर्ति बनती है और कुछ ही दिनों में वो मूर्ति गिर जाती है। और मैंने अखबार में पढ़ा कि प्रधानमंत्री ने कहा, मैं शिवाजी महाराज से माफी मांगता हूं। अब मैं ये समझना चाहता हूं, प्रधानमंत्री जी ने किस कारण माफी मांगी? अलग अलग कारण हो सकते हैं। पहला कारण हो सकता है कि ये जो मूर्ति थी इसका कॉन्ट्रैक्ट आरएसएस के एक व्यक्ति को दी गई। शायद प्रधानमंत्री जी कह रहे हैं कि नहीं, मैंने गलती की, मुझे ये कॉन्ट्रैक्ट आरएसएस के व्यक्ति को नहीं देनी थी, ये मुझे कॉन्ट्रैक्ट मेरिट पे देना था। शायद वो गलती हो सकती है। दूसरी गलती हो सकती है, शायद प्रधानमंत्री इसके लिए माफी मांग रहे हैं कि मैंने जिसको कॉन्ट्रैक्ट दिलवाया उसने भ्रष्टाचार किया, महाराष्ट्र के लोगों से चोरी की, ये कारण हो सकता है। तीसरा कारण हो सकता है कि आपने शिवाजी महाराज की मूर्ति बनाई और आपने इतना भी ध्यान नहीं दिया कि वो मूर्ति खड़ी रहे। जहां भी आप देखोगे सड़क बनती है भ्रष्टाचार, सरकारी भ्रष्टाचार से बनी है, सरकारी चोरी करके बनी है, सरकारी एमएलए को पैसा बन के दे के बनी है। ये बीजेपी की सरकार नहीं है, ये आपकी सरकार थी, इसको तोड़कर चोरी करके ले गए ये लोग। और प्रधानमंत्री को सिर्फ शिवाजी महाराज से माफी नहीं मांगनी चाहिए, अगर माफी मांग रहे हैं तो महाराष्ट्र के हर व्यक्ति से माफी मांगनी चाहिए।